ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि यानी कि 30 मई 2022 सोमवार को शनि जयंती, सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत तीनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। ये तीनों 30 मई सोमवार को है। शनि दोष से मुक्ति और धन समृद्धि प्राप्ति करने के लिए यह खास दिन है। पहला, छाया दान करें। इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था। इस दिन उनकी पूजा करने और छाया दान करने तथा शनि का दान करने से शनि की कुंडली से शनि दोष, महादशा, ढैया और साढ़ेसाती की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, बरगद की पूजा। वट सावित्री के दिन बरगद की पूजा का महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए व्रत रखकर बरगद की पूजा करती है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में वट सावित्री व्रत की पूजा होगी। पीपल की पूजा। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव के साथ ही चंद्रदेव की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। तब से यह मान्यता है कि सोमवती अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। ऐसा भी माना जाता है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अतः इस दिन पीपल के पूजन से सौभाग्य की वृद्धि होती है। शिव, पार्वती और तुलसी का पूजन कर सोमवती अमावस्या का लाभ उठा सकते हैं। चौथा, पितृ तर्पण। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों को तिल और जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्थलों पर पिंडदान और तर्पण करने का विशेष महत्व है। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।